हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनका फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला हमें मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या क्या होता है, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है और सफिक्स में जनरली ओइक एसिड लगता है। अगर हम इस ये लिख देते हैं, ये दो कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेन ओइक एसिड, तो इथनोइक एसिड बनता है। बट इसमें क्या होगा, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ई एंड ओ बोथ आर वोवल्स, तो आपको ये वाला वोवल ड्रॉप करना होता है। तो ये बन जाएगा इथेन ओइक एसिड, इथनोइक एसिड बन जाएगा। दिस इज इथनोइक एसिड। ऐसे ही अगर आप दो कार्बन्स लेते हैं, तीन कार्बन्स लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें तीन कार्बन्स हो गए तो ये प्रोपनोइक एसिड बन जाएगा। आपको नेमिंग बहुत ज्यादा टफ ना भी करें, आपको एक मीडियम लेवल तक करनी पड़ेगी। रीजन, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर आयुपेक का, वो बहुत टफ नहीं होता, बट अगर रिवाइज किया होगा तभी आप कर पाएंगे। अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए तो उसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। अगर ये आ जाए कंपाउंड लाइक दिस, इसकी नेमिंग आप करेंगे, इसकी नेमिंग आप करिए प्लीज, इट्स टू फिनाइल इथेन ओइक एसिड, इट इज टू फिनाइल एथनोइक एसिड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आइए हम आगे चल रहे हैं, इस सारे को हम क्लियर कर देते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की हम सबसे पहले कर रहे हैं रिडक्शन। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और इसकी रिडक्शन कर दी। रिड्यूसिंग एजेंट हमें बहुत सारे याद हैं, प्लेडियम, प्लैटिनम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आपका निकल C2H5OH/Na, NaBH4, ये बहुत सारे और भी हो सकते हैं, आप जितने याद कर पाए। तो इसकी हमने रिडक्शन कर दी निकल में, तो ये एल्कोहल्स बन जाएंगे, ये एल्कोहल्स बन जाएंगे। वैसे ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले ये एल्डिहाइड बना और फिर ये एल्कोहल बन गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन ना तो बढ़ेंगे ना ही कम होंगे, दो कार्बन है तो दो वाला ही एल्डिहाइड बनेगा, दो वाला ही अल्कोहल बनेगा। ये नीचे वाला भी करेक्ट है, ऊपर वाला भी करेक्ट है, जो आप लिखना चाहें। ऐसे ही अगर आप कुछ इस तरह से ले लेते हैं, आप बेंजोइक एसिड लेते हैं, तो अगर आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। इसमें एक चीज नोट करने वाली है, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, अगर हम कन्वर्जन्स के लिए भी। अगर मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम इसको एक ही स्टेप में एल्केन बनाना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम एसिड को एक ही स्टेप में एल्केन बनाना चाहते हैं, अगर हम एसिड ले रहे हैं, एसिड को एक ही स्टेप में हम एल्केन बनाना चाहते हैं,
तो इसमें डलेगा एच आई एंड रेड फास्फोरस। ये एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है जो एसिड को एक ही स्टेप में एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। आपने एल्डिहाइड्स को एल्कीन बनाते देखा होगा, बाय क्लिम्सन रिडक्शन जिंक मर्करी एंड कंसेंट्रेटेड एचसीएल। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। एल्डिहाइड एक ही स्टेप के अंदर एल्कीन बन जाते थे। ये क्लिम्सन रिडक्शन है, क्लिम्सन रिडक्शन। ऐसे ही अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन को, कीटोन एल्डिहाइड दोनों ले सकते हैं, आप इसमें NH2 ग्लाइकोल डालते थे तो ये भी एल्केन बन जाता था। दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से लगाई हो तो ऐसे ही अगर एसिड को एल्कीन बनाना है, एसिड को अगर आपको एल्कीन बनाना है तो दिस इज द बेस्ट रिएक्शन। इसको आप अलग से नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस पे। ये आपको कन्वर्जन्स के अंदर और कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत काम आएगा। आइए अब हम आगे चल रहे हैं। रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल मींस जनरली सोडियम एंड ऑल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। हमने इसमें सोडियम डाल दिया तो क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। अगर वो आपको कहते हैं कि एसिडिक करेक्टर के लिए रिएक्शन लिखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है तो आप सोडियम से रिएक्शन करिए, ONA बन जाएगा। दिस इज सोडियम प्रोपनोएट, इट्स सोडियम प्रोपीन ओएट, सोडियम प्रोपनोएट। ऐसे अगर आप दो वाला लेते तो दो वाला बन जाता, तो ये क्या होता, सोडियम सोडियम एथनोएट। ये वाला रिएक्शन आप लिख के दिखाइए। अगर मैं इसमें कैल्शियम डाल दूं तो क्या होगा, हमने एथनोइक एसिड लिया और इसमें कैल्शियम डाल दिया तो क्या होगा करके दिखाइए। कैल्शियम की वैलेंसी 2, ये तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से लग जाता है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COO2CA। इसको बोलेंगे कैल्शियम एथनोएट। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम एथनोएट। इसको नोट कर लीजिए। ये आप हो गए रिएक्शन ऑफ मेटल एंड एल्कलीज। मेनली वो एल्कलीज की ही बात कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। हमने कोई एसिड लिया, हम उसको एनहाइड्राइड बनाना चाहते हैं। नोट करिए, जो कंसेंट्रेटेड H2SO4 होता है, इट्स अ वीक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो अल्कोहल और एसिड तक, अल्कोहल और ईथर तक ही लिमिटेड है। ये वीक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां हमें स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं P2O5। तो आप यहां दो मॉलिक्यूल लेंगे और P2O5 डालेंगे तो इसमें ये वाटर लूज कर देगा, ये वाटर लूज हो जाएगा तो ये प्लस
प्लस वाटर निकल गया एंड बचा हुआ मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएगा और वो आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। एक और चीज इसमें नोट करेंगे, या तो आप यूज करेंगे P2O5 और V2O5, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लॉस ऑफ वाटर कराते हैं, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको अमाइड लिया, आपको नाइट्राइल बनाना है, तो यहां पे ये यूज नहीं कर पाएंगे, आपको ये यूज करना पड़ेगा लाइक P2O5, ये भी लॉस ऑफ वाटर करा देंगे। लॉस ऑफ वाटर हो गया तो ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो नाइट्राइल्स बन जाएंगे। पर यहां पे भी आप P2O5 या V2O5 यूज करेंगे, नोट कर लीजिए, ये भी आपको काम आएगा नोट में। अगर आप क्या बनाना चाहते हैं, अमाइड से नाइट्राइल बनाना चाहते हैं ना सिंगल स्टेप, तो P2O5 या V2O5 करिए नोट इसको। फिर मैं आपको एनहाइड्राइड का एक दो और एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। अगर मान लीजिए हमने एक 3 वाला एसिड ले लिया और एक 2 वाला ले लिया और इसके अंदर हमने P2O5 डाल दिया, तो यहां से वाटर निकल जाएगा माइनस वाटर एंड ये आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा। वैसे ये मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं, शायद आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर एक कंटेनर है और उसके अंदर रेड बॉल्स हैं, बैलून मान लीजिए, रेड बैलून्स हैं और ब्लू बैलून्स हैं और सबकी टकराने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो कितनी तरह की कोलिशंस पॉसिबल हैं? तो रेड रेड पॉसिबल है, ब्लू ब्लू पॉसिबल है, रेड ब्लू पॉसिबल है, ब्लू रेड इज द सेम वन, तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। तो सेम अगर आप 2 और 3 को रिएक्शन करवा रहे हैं तो 2 और 3 वाला तो एनहाइड्राइड बनेगा, 3 3 वाला भी एनहाइड्राइड बनेगा और 2 2 वाला एनहाइड्राइड भी बनेगा। तो वैसे तो अगर आप यहां तक भी लिखाते हैं तो करेक्ट है, पर रियलिटी में 2 वाला 2 से भी रिएक्ट करेगा। और 3 वाला 3 से भी रिएक्ट करेगा, तो ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे। अगर आपको मिक्सचर में कोई भी डाउट आ रहा है तो कम से कम अब ऊपर वाला तो जरूर लिख के आइए वाला, पर वेरिटी में 3 डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, 2 वाला 2 से रिएक्ट होगा, 3 वाला 3 से रिएक्ट होगा, 2 वाला 3 से रिएक्ट होगा, तो टोटल 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये जो भी कंपाउंड बनाया है इसका नाम होगा एथनोइक प्रोपनोइक एनहाइड्राइड। अब हम एक और कंपाउंड बना रहे हैं, एक ये भी बना था, जिसमें दोनों में 2 2 थे। तो अगर एथनोइक यहां 2 बार है पर यहां 2 बार नहीं लिखेंगे, इसका नाम होगा एथनोइक एनहाइड्राइड। जब दोनों सेम होते हैं तो डाई नहीं लगता, दिस इज एथनोइक एनहाइड्राइड। बस अगर ये दोनों में 2 2 कार्बन हैं तो इसको डाई नहीं लगेगा, एथनोइक एनहाइड्राइड। 3 होंगे तो प्रोपनोइक एनहाइड्राइड। अगर डिफरेंट होंगे, जैसे इसके इसमें डिफरेंट है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा, ई पहले आता है तो एथनोइक पहले आ गया, प्रोपनोइक बाद में आ रहा है।
तो ये नेमिंग में प्लस वन में भी हमने पढ़ा होता है, आपने भी पढ़ा होगा। आइए आगे चल रहे हैं हम। रिएक्शन विद पीसीएल फाइव एंड पीसीएल थ्री एंड एसओसीएल टू। अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसके अंदर इन तीनों में से कोई एक चीज डाल दी। तीनों में रिजल्ट सेम रहते हैं, चाहे आप पीसीएल फाइव डाल दीजिए, पीसीएल थ्री डाल दीजिए या एसओसीएल टू डाल दीजिए। ये अल्कोहल वाला रिएक्शन है, ओएच विल बी रिप्लेस्ड बाय सीएल, ओएच विल बी रिप्लेस्ड बाय सीएल। ये सेम आपने अल्कोहल्स में भी पढ़ा होगा, सेम रिजल्ट्स हैं। तो अगर आपने अल्कोहल अच्छे से पढ़े हैं तो कुछ रिएक्शन आपको अल्कोहल वाले रिपीट लगेंगे। OH विल बी रिप्लेस बाय Cl, नोट कर लीजिए, नोट लिखिए, नोट। OH will be replaced by halogen on reaction with PCl5 PCl3 SOCl2 एंड आप इसको PX5 एंड PX3 भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल अल्कोहल की तरह ही है जैसे अल्कोहल में होता था, तो इसको जल्दी से नोट करिए। आइए हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया, ये भी बिल्कुल अल्कोहल की तरह है। अगर मैं पहले अल्कोहल का रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूं, अल्कोहल में आपने लिखा था अगर आप अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो OH विल बी रिप्लेस बाय NH2। तो यहां भी सेम है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं और अमोनिया डालते हैं तो आप OH को NH2 से रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे ये एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है, वैसे ये एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है। आप अमोनिया डालते हैं तो CH3COONH4 पॉजिटिव बनता है, फिर हीट किया जाता है, फिर ये अमाइड बन जाता है। तो अगर आप ये हीटिंग वाला स्टेप नहीं दिखाना चाहते तो यहीं पे लिख सकते हैं लाइक हीट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वन अमोनिया टू हीट। अगर आप हीटिंग वाला स्टेप दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। तो इसमें बताइए क्या होगा, अगर हम बेंजोइक एसिड लेते हैं, वन पे अमोनिया है, टू पे हीटिंग है, तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। आइए आगे चल रहे हैं। डी कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन, ये प्लस वन में भी पढ़ा होता है, फिर देख लीजिए। हमने एसिड लिया, एसिड में आप मान लीजिए एनए डाल देते हैं या एनएओएच डाल देते हैं, आपकी चॉइस है। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा एंड अगर इसके अंदर एनएओएच एंड सीएओ डाल देते हैं जिसके मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है, तो Na2CO3 निकल जाता है, Na2CO3 निकल जाता है।
ये वाला सारा पार्ट निकल जाएगा, जस्ट शो यू, ये वाला Na2CO3 निकल जाएगा और ये बचा हुआ एच, CH3 के साथ कंबाइन कर जाएगा तो CH4 बन जाएगा। मैं एक और लिख के दिखाता हूं, मान लीजिए आप बेंजोइक एसिड लेते हैं, आपने उसमें NaOH डाला, H इज रिप्लेस्ड बाय Na, आपने इसके अंदर NaOH एंड CaO डाल दिया, अब यहां से Na2CO3 निकलेगा ये वाला, तो यहाँ पे आपका बेंजीन के ऊपर H लग जाएगा, तो ये पूरा बेंजीन ही बन गया C6H6। दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नोट कर लीजिए इसे, आई डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, आपने एसिड लिया, उसके अंदर आपने सोडियम या NaOH डाल दिया जो आप डालना चाहें, तो ये ONa बन जाता है, एंड इसमें आपने NaOH डाला एंड कैल्शियम ऑक्साइड डाला, जो Na2CO3 है वो यहां से निकलेगा लाइक दिस, एंड ये एच इसके साथ लग जाएगा, CH3 के साथ एच लग जाएगा विच इज CH4, तो ये आपका CH4 बन जाएगा। मैं आपको बेंजोइक एसिड वाला भी एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं, आपने बेंजोइक एसिड लिया, उसमें आपने NaOH डाल दिया, ये आपका COONa बन गया, और इसमें आपने NaOH डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CO, इसमें आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, NaOH प्लस CaO, NaOH एंड CaO इज नोन एज सोडा लाइम, इसको सोडा लाइम कहते हैं, सोडा लाइन, इट इज कॉल्ड सोडा लाइन, सोडा लाइन, और यहां पे देखिए क्या निकल गया, Na2CO3 और बेंजीन पे एच लग गया, दैट इज टोटली अ बेंजीन, C6H6, कर लीजिए नोट। आइए आगे चलते हैं, ये थे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रहे हैं हम, HVZ, हेल वलहार्ड ज़ेलेस्की रिएक्शन, ज़ेलेस्की में N साइलेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज का ये कैटेगरी 1 स्टार का भी कह लीजिए एक तरह का पहला है। डीकार्बोक्सिलेशन इज ऑल्सो गुड, 11th में पढ़ा होता है, तो 11th ये 12th का कैटेगरी 1 रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन। अब ये HVZ रिएक्शन क्या है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसमें आपने डाल दिया क्लोरीन एंड रेड फास्फोरस, जो एसिड के साथ वाला कार्बन होगा उसके सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन है, तीनों ही किससे रिप्लेस हो गए, मैं कलर चेंज करता हूं, ये जो 3H हैं, ये तीनों Cl से रिप्लेस हो गए, और ये फिर 3H का क्या हुआ, जो 3H थे वो 3HCl में निकल गए, ये तो बाय प्रोडक्ट है, देखिए टोटल 6Cl हो गए, 3Cl टू हमने लिखा है। इसमें समझने वाली एक चीज ये है कि मान लीजिए अगर ज्यादा कार्बन हो जाते हैं फिर क्या होगा, अब जनरली बच्चे इसको गलत कर देते हैं, बच्चे ये आंसर लिख के आते हैं, ये गलत आंसर है मैं जो लिख रहा हूं, CCl3 CCl2 COOH, बच्चे क्या करते हैं सारे ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये पढ़ के गए होते हैं तो उन्हें लगता है ये होगा, ये गलत आंसर है,
ऐसा नहीं होगा। एसिड के सिर्फ साथ वाला, उसके हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होने हैं? क्लोरीन से। तो सिर्फ ये वाले CH3CCl2 एंड देन COOH, एसिड के सिर्फ साथ वाले कार्बन के, इसके हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होने, ये एक करेक्ट आंसर है। तो टीचर जान के आपको तीन वाला डाल के देता है कि आप गलती करें, तीन हो या तीन से ज्यादा हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। बैलेंसिंग के लिए आप चाहें तो यहाँ पे टू लिख सकते हैं के साथ में दो HCl भी निकले। ये जो ऊपर लिखा है ये गलत है, ध्यान रखिएगा, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, ये कैटेगरी वन स्टार है, HVZ रिएक्शन, दैट इज हेल वोल्हार्ड ज़ेलेस्की रिएक्शन। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट है, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। बेटा ये ध्यान रखना है, बेंजीन के ऊपर जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाता है, ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो मेटा पे होते हैं, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। कंसेंट्रेटेड HNO3 डालने पे आपको पता है कि अगर हमने HNO3 डाला है तो NO2 लगेगा, NO2 लगेगा मेटा पे, किस पे लगेगा? मेटा पे। ये एक ही कंपाउंड है, अगर मैं इसको ऐसे भी बना देता हूं तो ये इट इज द सेम कंपाउंड। अगर मैं NO2 से लगाऊं, ये कंपाउंड ही सेम है, तो इसलिए ये वाला बनाने की जरूरत नहीं होती। याद रखेंगे, नोट क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट ऑन बेंजीन, सो इट इज मेटा डायरेक्टिंग और कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। आइए नेक्स्ट कर रहे हैं, अगर Br2 आ जाए, अब ये मेटा डायरेक्टिंग है तो यहां पे भी क्या होगा, ये जो एसिड तो वैसे का वैसे ही लगा रहेगा, Br will be at meta position। आपने ये ग्रुप देखना है कि बेंजीन पे ग्रुप कौन सा लगा है, अगर यही ग्रुप प्लस आई होता, लाइक फिनोल होता, मिथाइल होता, अगर ये रिएक्शन वहां लिखा जाता एग्जांपल के तौर पे, तो ये रिएक्शन हम कहां कहां पे करते, फिर हम ऑर्थो या पैरा पे ही करते, और जब हमने चैप्टर पढ़ा था किया भी था। तो अभी ऐसा नहीं होगा, अभी ये कहां पे होगा, क्योंकि COOH ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके रिएक्शन मेटा पे होंगे। नेक्स्ट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये एल्कोहल्स में भी पड़ा होता है, हमने आपको पहले बताया था, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेते हैं एंड हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसमें अल्कोहल ऐड कर दिया, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कंसेंट्रेटेड H2SO4, ये वाटर लूज कर देता है, तो ये एस्टर बन जाता है, ये एस्टर बन जाता है, दिस इज एस्टर। तो ये रिएक्शन अगर आप अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां भी पढ़ेंगे, आप एसिड पढ़ रहे हैं वहां भी पढ़ेंगे, कभी आप एस्टर्स पढ़ेंगे तो आपको ये वहां भी मिलेगा, तो ये रिएक्शन आपको कई जगह मिलेगा, एंड इसे फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, फिशर एस्टेरिफिकेशन, तो एक ही चीज है ये,
फिशर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। अब इसके ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम भी आना चाहिए, व्हाट इज दिस, दिस इज मिथाइल, मिथाइल एंड दिस इज टू कार्बन्स, यू कैन राइट लाइक दिस, टेक लाइक दिस, दिस इज द वन, दिस इज टू कार्बन्स दैट इज एथ नो एट, इट्स मिथाइल एथनोएट, इट्स मिथाइल एथनोएट, ETHANOTE, दिस इज इन एथनोएट, इथे मिथाइल तो आपको क्लियर हो गया, मिथाइल इथेन आएगा एंड ओएट लगता है, OATE नहीं आएगा, दो वोवल एक साथ नहीं आते, तो इट इज मिथाइल एथनोएट, ये जो एस्टर है इसका नाम होगा। तो ये स्टेरिफिकेशन है, ये भी एक कैटेगरी वन स्टार क्वेश्चन है, जिन रिएक्शंस के नाम होते हैं वो हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में डायरेक्ट आएगा राइट स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, राइट फिशर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो आपको यही वाला रिएक्शन लिखना है वहां पे। आइए अब हम आगे चल रहे हैं, यहां पे हमारे सारे रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हमारे फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने हैं, पहला अल्कोहल से, ये हमने अल्कोहल्स में पढ़ा भी होता है, अल्कोहल अगर हम लेते हैं और उसके अंदर हम KMnO4 डाल दें या K2Cr2 7 डाल दें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। आप इसमें KMnO4 भी डाल सकते हैं, K2Cr2 7 भी डाल सकते हैं, ध्यान क्या रखना है कि आपको, मान लीजिए अगर आपने कुछ इस तरह का अल्कोहल लिया और इसमें आपने K2Cr2 7 डाल दिया तो दोनों ही एसिड बन जाएंगे, ये दोनों ही क्या है, इसको आप पहचानते होंगे, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड है, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, एंड इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं इथेन 1,2-dioic acid, इसको आप इथेन 1,2-dioic acid, वो इथेन 1,2-dioic acid भी कह सकते हैं, और KMnO4 and K2Cr2 7 have similar effect, KMnO4 डाल दो या K2Cr7 डाल दो, दोनों ही सेम हैं, तो ये आपने पहले पढ़ा होता है, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे KMnO4 K2Cr2 7 एंड टॉलन्स रिएजेंट, टॉलन्स रिएजेंट, ये वही टॉलन्स रिएजेंट है जो हमने डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट में यूज किया था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अगर आप टॉलन्स रिएजेंट भी डालते हैं तो टॉलन्स रिएजेंट में सिल्वर तो डिपॉजिट हो जाता है नीचे, एंड ये जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने आपको टेस्ट में भी बताया था, अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं और उसके अंदर टॉलन्स रिएजेंट डाल देते हैं तो अंदर की साइड
अगर मैं पहले पूरा एल्डिहाइड लेते हैं, मान लीजिए पूरा एल्डिहाइड है, दिस इज अ फुल एल्डिहाइड, ये हमने पूरा ऐसे एल्डिहाइड से भर दिया, और इसके अंदर अगर हम क्या ले लेते हैं, टॉलन्स रिएजेंट डालते हैं, तो टॉलन्स रिएजेंट क्या करता है, अंदर की तरफ टेस्ट ट्यूब के अंदर की तरफ सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है। अगर सिल्वर अंदर की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा तो बाहर से ऐसा लगेगा जैसे ये मिरर है, मिरर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। थोड़ा ये बेंजल्डिहाइड के साथ स्लो होता है, बाकी आप कोई भी ले लीजिए, क्योंकि बेंजल्डिहाइड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो इस केस में कई बार उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, पर बाकी हर एल्डिहाइड के साथ ये अच्छे रिजल्ट शो करता है। तो ये टॉलन्स रिएजेंट भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप इसमें KMnO4 यूज कर लें, K2Cl2 यूज कर लें, या टॉलन्स रिएजेंट यूज कर लें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। जल्दी से नोट करें। आइए अब हम आगे चल रहे हैं, तो इसको क्लियर कर रहे हैं। अब एक चीज और समझनी है, बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन लगे हैं, आप एक कार्बन ले लीजिए, तीन कार्बन ले लीजिए, चाहे आप पांच कार्बन ले लीजिए, जितने मर्जी कार्बन ले लीजिए, आप जितने मर्जी कार्बन ले लीजिए, आपने बहुत सारे कार्बन्स ले लिए। अगर आपने इसके अंदर KMnO4 या K2Cl2 डाल दिया, तो ये पहले बनाएगा COOK, और इसमें अपने वाटर इन एसिडिक मीडियम डालना है, और ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। कार्बन एसिड एक वाला ही बनेगा, चाहे चेन जितनी मर्जी बड़ी हो, चाहे आप एक कार्बन वाला लीजिए, चाहे आप एक से ज्यादा कार्बन वाला लीजिए। अगर आप थोड़ा इसको इस तरह दिखाना चाहते हैं, तो आप यहां भी दिखा सकते हैं, जिस पे लगा हुआ है, लाइक दिस बनेगा ये एसिड, एक कार्बन वाला एसिड ही बनेगा। इसको जल्दी से नोट, आप सारे मत नोट करिए, आप दो नोट कर लीजिए, ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया। इसमें एक अच्छा एग्जांपल और है, अगर आप वो लेना चाहें, मान लीजिए मैं इसको रब कर देता हूं, पहले इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं, मान लीजिए ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया, मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है, और आपने इसके अंदर KMnO4 KOH एंड हीट कर दिया। आप इतना ना हीट वीट ना भी लिखें तो भी चलता है, तो ये बनेगा COOK, ये भी COOK, कार्बन एक ही रह जाएगा जितने मर्जी लीजिए, वाटर इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे क्या होगा, COOK COH COOH COOH। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि चेन जितनी मर्जी बड़ी हो, एक हो दो हो या तीन हो, बनेगा उसने COOH ही है। हाँ, पर जितनी पोजीशंस पे लगाया सब पे इफेक्ट आएगा, जितनी पोजीशन पे लगाया है सब पे इफेक्ट आएगा। आइए आगे चलते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स, अब हम चाहते हैं कि नाइट्राइल्स को एसिड बनाया जाए, तो अगर आप नाइट्राइल्स को एसिड बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट होता है वाटर इन एसिडिक मीडियम। ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। अब मान लीजिए आपने बेंजीन के ऊपर नाइट्राइल लगाया हुआ है, आप इसमें वाटर इन एसिडिक मीडियम डाल देते हैं, तो CN विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH, CN इज कन्वर्टेड इनटू COOH। मान लीजिए दो बार CN लगा हुआ है, आपने वाटर इन एसिडिक मीडियम डाल दिया, सॉरी
क्या होगा, सी एन विल बी कनेक्टेड इनटू सी ओ एच लाइक दिस। जल्दी से इसको नोट करिए। इसमें एक चीज नोट करने वाली है, ये प्रॉपर्टी आप नोट में डालेंगे, अलग से कॉपी में नोट पे लिखिए नोट। CH3 जो CN होता है, अगर वाटर इन एसिडिक मीडियम डालते हैं तो वो एसिड बनता है, अगर वाटर इन बेसिक मीडियम डालते हैं तो वो अमाइड बनता है, और अगर हम रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो अमाइंस बन जाते हैं। अगर वाटर इन एसिडिक मीडियम डालोगे तो एसिड, बेसिक मीडियम डालोगे तो अमाइड, रिडक्शन करोगे तो अमाइंस, अमाइंस बन जाएंगे। तो कर लीजिए इसे नोट जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे छोटे छोटे चार्ट्स बनाओगे तो कभी भी ऑर्गेनिक तुम्हें तंग नहीं करेगी, कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अब आपको क्लियर हो गया एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड रिडक्शन, जब अलग अलग पढ़े होंगे तो ये रिएक्शन आपस में ही आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आइए अब हम आगे चल रहे हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं, आइए आगे चलते हैं। फ्रॉम अमाइड, मान लीजिए अगर अमाइड आ गए, अमाइड आ गया, अमाइड इज दिस। वैसे तो एनसीईआरटी कहती है वाटर एंड एसिडिक मीडियम डाल दो तो आपका एसिड बन जाएगा, एनसीईआरटी कहती है तो बिल्कुल ठीक कहती है। बट मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूं, अगर आप HNO2 डालते हैं देन NH2 विल बी रिप्लेस बाय OH। ये NCERT में नहीं दिया हुआ, आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम। HNO2 क्या करता है, NH2 को OH लगाता है, तो ये अल्कोहल में भी आपको काम आएगा। कहीं भी आप NH2 की जगह OH लगाना चाहते हैं ना सिंगल स्टेप, तो HNO2 डाल दीजिए तो OH लग जाएगा। बट नोट क्या करना है, यहां पे भी एक नोट करना है, नोट HNO2 इज इक्वलेंट टू NaNO2, NaNO2 प्लस HCl। तो कई जगह पे HNO2 को NaNO2 प्लस HCl भी लिखा होता है, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए एक मैं और अच्छी चीज बता रहा हूं, अगर आप ये NH2 ग्रुप, अगर ये NH2 ग्रुप बेंजीन पे डायरेक्टली लगा हुआ है और आप HNO2 डाल देते हैं तो ये फिनोल नहीं बनता, ये रिएक्शन नहीं होता, तो ये डायजोटाइजेशन हो जाती है, HNO2 कंसंट्रेटेड HCl 0 to 4 degree से याद करिए, तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है, ये ऊपर वाला रिएक्शन नहीं होगा, नीचे वाला होगा। अदरवाइज अगर ये बेंजीन से डायरेक्टली नहीं लगा हुआ तब जब मर्जी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसे लेते हैं और इसमें आप HNO2 डाल देते हैं तो यहाँ पे बेंजीन से डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे OH लग जाएगा, NH2 will be going to change into OH। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे मैं कैटेगरी 2 बोलूंगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होता है RMGX। अब आपने क्या किया, CH3
MgCl को रिएक्शन करा दिया CO2 के साथ। ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। ये CO2 है, एक तो CH3 जो है वो कार्बन पे लग जाएगा और एक MgCl ऑक्सीजन पे लग जाएगा। तो ये क्या होगा, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O O MgCl। और जब आप इसमें वाटर एंड एसिडिक मीडियम डालेंगे तो ये MgCl निकल जाएगा और इसकी जगह H लग जाएगा, तो ये OH बन गया। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं एक और करके दिखाता हूँ, करिए इसको नोट। आइए अब हम आगे चल रहे हैं, एक बार मैं और लिख के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए हमने C2H5MgBr ले लिया, किसके अंदर, CO2 के साथ। वैसे तो CO2 स्ट्रेट लाइन होता है हमें मालूम है, पर कुछ इस तरह लिखने से आपको थोड़ा समझना आसान हो जाता है। तो जब आपने ये लिया तो ये जो C2H5 है ये तो चलेगा कार्बन के पास, और ये MgCl किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, ये बना C2H5 C डबल बॉन्ड O O C2H5, सॉरी इधर तो MgBr गया है तो ये MgBr लग गया, MgBr। तो ये आपका MgBr लग गया है। अब इसके अंदर आपने क्या डाला, वाटर इन एसिडिक मीडियम। तो यहां से MgBr निकल जाएगा, तो C2H5 C डबल बॉन्ड O O और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन गए। क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए। आइए अब हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट है फ्रॉम एराइल हैलाइड या ऑयल हैलाइड, इट्स द सेम थिंग। ये भी बड़ा सिंपल है, आपने ऑयल हैलाइड लिया, आप इसमें वाटर इन एसिडिक मीडियम डाल दीजिए, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आप ऐसे ले रहे हैं, आपने वाटर इन एसिडिक मीडियम डाला तो ये आपके बेंजीन के ऊपर एसिड ग्रुप लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर एसिड ग्रुप लग जाएगा। आइए हम ये आपने नोट कर लिया होगा, हम आगे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ये हमने अभी पढ़ा था। अभी हमने एसिड से एनहाइड्राइड बनाया था, अब हमें एनहाइड्राइड से एसिड बनाना है। तो पहले पानी निकाला था, अब पानी डालेंगे, पहले वाटर निकाला था, अब वाटर डाल देंगे। जब वाटर डालेंगे तो वाटर के दो पार्ट होते हैं, H एंड OH। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा, ये पार्ट भी आपका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो अगर हम एनहाइड्राइड के अंदर वाटर डाल वो भी एसिडिक मीडियम में, तो दोनों ही क्या बन जाएंगे, एसिड बन जाएंगे। आप चाहें तो एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। मान लीजिए C2H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैंने वाटर डाला, वाटर हैज टू पार्ट H एंड OH, एक तो ये एसिड बन जाएगा, एक आपका ये एसिड बन जाएगा। तो क्या होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, वाटर इन एसिडिक मीडियम।
जब हम एसिड में से वाटर निकालते थे तो एनहाइड्राइड बनता था, एनहाइड्राइड में वाटर डाल देंगे तो वो एसिड बन जाएगा, कार्बन सेम रहेंगे, कार्बन चेंज नहीं होंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड OOH। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ऐसे नोट कर लीजिए। आगे है फ्रॉम एस्टर्स, ये भी हमने पढ़ा था अभी। अगर हम ये उल्टा रिएक्शन है, एस्टरीफिकेशन का रिवर्स रिएक्शन है। अगर हम एस्टर के अंदर वाटर इन एसिडिक मीडियम डाल देते हैं तो एस्टर के दो पार्ट हैं, वाटर के भी दो पार्ट हैं, एक के साथ एच चले जाएगा और एक के साथ ओ एच चले जाएगा। अब इसके साथ क्या चले गया, एच, इसके साथ क्या चले गया, ओ एच, तो क्या बन गया, एक एसिड बन जाएगा, एक अल्कोहल बन जाएगा। आप याद करिए, यही रिएक्शन आपने किया था, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे तो रिएक्शन इस तरह चल पड़ेगा, वाटर इन डाइल्यूटिंग मीडियम डाल दोगे तो रिएक्शन इस तरह चल पड़ेगा। तो ये वही रिएक्शन, अगर आप जानते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कर लो नोटिस है। आइए आगे चल रहे हैं। अब यहां पे सारा आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आपने नोट भी कर लिया होगा।